लेट्स डिस्कस एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दैट इज द रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब देखिए ये दो स्टेप में होती है। वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन होता है। अभी यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं इसमें इमिन प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। सो कार्बोनील कंपाउंड्स रिएक्ट विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, रिएक्ट विद अमोनिया डेरिवेटिव्स टू फॉर्म इमिन प्रोडक्ट्स। हम लोगों को इमिन प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स। सो व्हाट हैपन्स, स्टेप नंबर वन में होता क्या है, जैसे कि मान के चलो एल्डिहाइड हमने कंसीडर किया, सो एल्डिहाइड्स प्रीफर टू रिएक्ट विद अमोनिया डेरिवेटिव, सो दीज रिएक्शंस आर कंडक्टेड इन एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोगों को जो है वो एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट स्टेप नंबर वन। अब सब्सिक्वेंटली दूसरे स्टेप में देयर बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस और यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड अपीयर करेगा, जिस वजह से हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वो इस प्रकार के होंगे। प्रोडक्ट ऑब्टेंड इज इमिन, सर्टनली इमिन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देयर इज ए डबल बॉन्ड इन बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन। सो वन बाय वन हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन देखेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन यानी NH2OH। याद रखे एल्डिहाइड हो या कीटोन, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब हम उसको ट्रीट करेंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम्स मिलेंगे एज ए प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं अल्डिहाइड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर, सो हाइड्रोक्सिल अमीन कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो मीडियम मस्ट बी वीकली एसिडिक, सो अल्डिहाइड्स को जब हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ट्रीट करेंगे तो एडिशन एलिमिनेशन होगा, और ऐसा होने से हमें जो इमिन मिलेगा उस इमिन को हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं विद द डिपार्चर ऑफ वाटर। सो इसे कहा जाएगा अल्डोक्साइन, दिस इज अल्डोक्साइन। अब सिमिलरली अगर हम कीटोन्स की बात करें, कीटोन्स डू द सेम, सो कीटोन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर। सो व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद NH2OH in weakly acidic medium, then also addition elimination takes place which lead to the formation of oxime of ketone with the departure of water, jisko hum kahenge ketoxime. So bottom line is aldoxymes and ketoxymes are obtained when we treat aldehydes or ketones with hydroxyl amine. Ab iske baad दूसरा अमोनिया डेरिवेटिव जिसकी हम बात करेंगे, दैट हैपेंस टू बी रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स, दैट इज RNH2। देखिए प्राइमरी अमीन्स के साथ एल्डिहाइड हो या कीटोन हो वो चिप्स बेसिस देंगे जिनको हम कह सकते हैं एनिल्स। जैसे कि एल्डिहाइड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर RCHO व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद प्राइमरी अमीन, दैट इज RNH2 इन वीकली एसिडिक मीडियम। ये हमारा एल्डिहाइड है, याद रखें। तो क्या होगा, एडिशन एलिमिनेशन होगा। एडिशन एलिमिनेशन होने के बाद हम लोगों को जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है वो प्रोडक्ट ये होगा। सो दिस हैपन्स टू बी द इमिन प्रोडक्ट, व्हाट वी कॉल चिप्स बेस एंड शिप्स बेसेस आर कॉमनली कॉल्ड एज एनिल्स। सिमिलरली अगर हम कीटोन्स की बात करें तो वो बात अलग है कि कीटोन की रिएक्टिविटी
थोड़ी कम होती है एल्डिहाइड्स के मुकाबले. दिस इज कीटोन व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विथ प्राइमरी अमीन्स इन वीकली एसिडिक मीडियम. ऐसा करने से एडिशन एलिमिनेशन होगा. सो दिस इज कीटोन. अपॉन एडिशन एलिमिनेशन हम लोगों को जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर. ये भी चिप्स बेस है. एंड रिमेम्बर चिप्स बेसेस आर कॉमनली कॉल्ड एज एनिल्स. उसके बाद थर्ड एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन टू बी डिस्कस्ड इज रिएक्शन विथ हाइड्राजीन. रिएक्शन विथ हाइड्राजीन. हाइड्राजीन यानी NH2. देखिए एल्डिहाइड कीटोन्स रिएक्ट विथ हाइड्राजीन्स प्रोड्यूसिंग करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन्स. जैसे कि एल्डिहाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम बता सकते हैं RCHO व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विथ हाइड्राजीन इन वीकली एसिडिक मीडियम देन एडिशन एलिमिनेशन टेक्स प्लेस इन दिस मैनर. सो दिस इज एल्डिहाइड. सो अपॉन एडिशन एलिमिनेशन हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन. तो इसको हम कहेंगे एल्डिहाइड हाइड्राजोन. इसको हम कहेंगे एल्डिहाइड हाइड्राजोन. सो सिमिलरली अगर हम कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स डू द सेम. सो दिस इज द कीटोन व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विथ हाइड्राजीन दैट इज NH2 इन वीकली एसिडिक मीडियम. सो दिस इज कीटोन. सो एडिशन एलिमिनेशन टेक्स प्लेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इमिन प्रोडक्ट विच कैन बी गिवन इन दिस मैनर. सो दिस इज कॉल्ड एज कीटोन हाइड्राजोन. सो इस प्रकार से करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन्स हम लोगों को मिलेंगे एज ए प्रोडक्ट. अब अगला पड़ाव यानी नेक्स्ट एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन अगला अमोनिया डेरिवेटिव जो होगा दैट हैपन्स टू बी द फिनिल हाइड्राजीन. देखिए फिनिल हाइड्राजीन के साथ जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन होगी तब हमें करस्पॉन्डिंग फिनिल हाइड्राजोन्स मिलेंगे. सो लेट्स हैव रिएक्शन विद फिनिल हाइड्राजीन. फिनिल हाइड्राजीन के साथ एल्डिहाइड हो या कीटोन करस्पॉन्डिंग फिनिल हाइड्राजोन डेरिवेटिव देंगे. सो दिस इज एल्डिहाइड. फिनिल हाइड्राजीन को हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज फिनिल हाइड्राजीन. मीडियम मस्ट बी वीकली एसिडिक. सो एल्डिहाइड्स को जब इनके साथ आप ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली एडिशन एलिमिनेशन होगा और एडिशन एलिमिनेशन होने के बाद हम लोगों को जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है दैट प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी दिस. दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड फिनील हाइड्राजोन. इसको हम कहेंगे एल्डिहाइड फिनील हाइड्राजोन. सिमिलरली कीटोन्स डू द सेम. अब देखो कीटोन्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे. कीटोन का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम बता सकते हैं RCOR when allowed to react with phenylhydrazine. Phenylhydrazine can be given in this manner. Medium must be weakly acidic. So ये हमारा कीटोन है. सो इमिन प्रोडक्ट जो यहाँ पे हमें मिलने वाला है दैट इज लाइकली टू बी दिस. ये हमारा इमिन होगा विद द डिपार्चर ऑफ वाटर. इस चीज का नाम होगा कीटोन फिनील हाइड्राजोन. तो इस प्रकार से हम लोग इमिन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब इसके बाद अगला पड़ाव रिएक्शन विद 2,4-DNP. सो लेट्स सी रिएक्शन विद 2,4-DNP. 2,4-DNP यानी 2,4-dinitro फिनिल हाइड्राजीन जिसे ब्रैडीज रिएजेंट कहा जा सकता है. सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव इमिन एज वेल. सो यहाँ पे 2,4-dinitro फिनिल हाइड्राजोन डेरिवेटिव हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्डिहाइड. सो 2,4-DNP कैन बी गिवन इन दिस मैनर. ये होगा हमारा 2,4-DNP. सो मीडियम मस्ट बी वीकली एसिडिक.
एडिशन एलिमिनेशन इस प्रकार से दिखाया जा सकता है, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज 2,4-DNP, दैट इज डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजिन। तो यहाँ पे देखिए जो इमिन हमें मिला, उस इमिन को हम लोग कुछ इस तरह से बता सकते हैं, दिस इज द इमिन सो ऑब्टेन विद द डिपार्चर ऑफ वाटर, सो दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड 2,4-dinitrophenyl hydrazone. Now ketones do the same similarly. अगर हम ketones को allow करें तो ketone भी same sort of imine product देगा. So this is the representation of ketone when allowed to react with 2,4-DNP. So 2,4-DNP can be given in this manner. Medium must be weakly acidic. So this is ketone. So addition elimination can be shown as, so हमें जो इस केस में इमिन मिलेगा, that इमिन can be given in this manner. So ये हमारा इमिन होगा जिसे हम बुलाएंगे कीटोन 2,4-dinitro, कीटोन 2,4-dinitro फेनिल हाइड्राजो. नाउ नेक्स्ट एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन टू बी डिस्कस इज द रिएक्शन विद सेमी कार्बेसाइड. अब सेमी कार्बेसाइड के साथ करस्पोंडिंग सेमी कार्बेजोन्स मिलेंगे. सेमी कार्बेजोन इज एन इमिन प्रोडक्ट, जैसे कि अभी तक के हमने देखा. सो नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सेमी कार्बेसाइड. अब सेमी कार्बेसाइड के साथ करस्पोंडिंग सेमी कार्बेजोन्स मिलेंगे, जैसे कि एल्डिहाइड्स आर रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर. सेमी कार्बेसाइड NH2NH CONH2, दिस इज सेमी कार्बेसाइड, ये हमारा एल्डिहाइड है. दिस इज सेमी कार्बेसाइड, मीडियम मस्ट बी वीकली एसिडिक. सो एडिशन एलिमिनेशन टेक्स प्लेस. अपॉन एडिशन एलिमिनेशन हम लोगों को जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है उसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं विद द डिपार्चर ऑफ वाटर. दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन. अब कीटोन्स डू द सेम सिमिलरली. कीटोन्स जो है खाली एल्डिहाइड से डिफर करेंगे रिएक्टिविटी के मामले में, बाकी प्रोडक्ट तो सिमिलर होंगे. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कीटोन व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद सेमी कार्बेसाइड. ये हमारा सेमी कार्बेसाइड है, मीडियम होना चाहिए वीकली एसिडिक. सो दिस इज कीटोन. सो एडिशन एलिमिनेशन टेक्स प्लेस. अपॉन एडिशन एलिमिनेशन हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट हैपन्स टू बी इमिन प्रोडक्ट, और जो इमिन हमें मिलने वाला है दैट इमिन कैन बी शोन इन दिस मैनर, और ये इमिन है कीटोन सेमी कार्बेजोन. तो ये थे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस रिलेटेड टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जहां पे हमने देखा कि सभी के सभी इमिन प्रोडक्ट्स हमें मिले.